नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय सेना ने एलओसी पर उड़ी इलाके में पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम के 2 जवानों को मार गिराया। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान में आतंकी अलर्ट। आईएसआई द्वारा लश्कर के 20 आतंकवादी भारत भेजे जाने की खबर। ईवीएम में गड़बड़ी मामले में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग की शर्तें नामंजूर। श्रीलंका में भूस्खलन और बाढ़ से कम 25 लोगों की मौत, कई लापता। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े घोटालों का जल्द ही खुलासा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया हिंसाग्रस्त सहारनपुर। असम के शोणितपुर जिले में मिला वायुसेना के लापता विमान सुखोई 30 का मलबा। पाकिस्तान से लौटी उज्मा ने कहा, मौत का कुआं है पाकिस्तान, भारतीय नागरिक होना गर्व की बात। शेयर बाजार ने बनाया नया इतिहास, 31,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। एशिया का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका के नाम पर। ब्रह्मपुत्र पर बने 9.15 किलोमीटर लंबे पुल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोकार्पण। कांग्रेस ने कहा, मोदी जश्न में जनता की कोई भागीदारी नहीं, वादा खिलाफी से त्रस्त हो चुके हैं लोग। जकार्ता बस टर्मिनल पर हुए विस्फोट मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। सीरिया के उत्तरी प्रांत दीर अल जोर में अमेरिकी गठबंधन बलों के हमले में 35 लोगों की मौत। पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल का निधन। ये थी आज की खास खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।